लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बच्चे स्कूल गए होंगे और जीजा जी ऑफिस गए होंगे। काजल कहाँ गए यार? अभी देखता हूँ। क्या आवाज है? कोयल, कोकिला, लगता है कोई मुझे यहाँ से पुकार रहा है। मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? अब दिल पे नहीं रहा काबू, आ रहा है तेरा राजा बाबू। सत्यम शिवम सुंदरम, क्या देख रहा था? घर देख रहा था। क्यों देख रहा था? ऐसे ही। पोस्टमैन है? पोस्टमैन है? मैं पोस्टमैन हूँ। तो क्यों देख रहा था? अरे घर रहने के लिए देख रहा था। रहने के लिए देख रहा था? वो पड़ोस वाला चलेगा? चलेगा। ये चलेगा? दौड़ेगा। कितना किराया देगा? जो आप कहेंगे। कितना रुपया कमाता है? रुपया मैं नहीं कमाता, मेरा बाप कमाता। कितने बाप है? बाप तो एक ही होता है ना। तो बाप को मैं बता कर देना करता है। मैं कलाकार हूँ, कला से प्यार करता। ये कला भाई कौन है? कला भाई ने कला एक आर्ट होता है। मैं संगीत से प्यार करता हूँ। घर में रेडियो है? है। कौन सी कंपनी का है? बर्फी है। म्यूजिक कैसेट है? है। कौन सी कंपनी का है? HMV की है। टेप रिकॉर्डर है? नहीं। कौन सी कंपनी का नहीं है? पैनासोनिक नहीं, सोनी नहीं, अकाई नहीं। HMV क्या मर्फी में डाल के सुनता है? मैं डायरेक्ट कोयल की आवाज सुनता हूँ। डायरेक्ट कौवे की आवाज क्यों नहीं सुनता है? मैं संगीत से प्यार करता हूँ। संगीत खाता हूँ, संगीत देखता हूँ, संगीत सुनता हूँ। दिखता है? हाँ। संगीत दिखता है? हाँ। कैसा दिखता है? पीछे से बहुत अच्छा दिखता है, सामने से पता नहीं। और क्या क्या दिखता है? सब कुछ। मैं दिखता हूँ? हाँ। पेड़? हाँ। हवा? हवा? हवा दिखती है? हवा आपने देखी? मैंने संगीत नहीं देखा तो हवा कैसे देखूंगा? तुमने संगीत देखा तो हवा देखी है? हवा दिखती है? ये कौन है यार? और कौन चाहिए तुमको? अरे कोई नहीं चाहिए, मगर आप तारे दिखते हैं दिन में? सितारे दिन में? चंदा मामा? चंदा मामा दिन में चक्कर आता है? बेटी वानी जरा देखना है हाईवे की चल बसा। अप्पा डब्बा जब्बा क्या? अप्पा डब्बा जब्बा। हाँ बेटी, शादी तो हम भी तेरी करना चाहते हैं, पर तुझसे शादी करेगा कौन? अब्बा डब्बा जब्बा। हे राम, सब पिछले जन्म के कर्मों का ही फल है। बेटी है कि बोल नहीं सकती और बाप है कि चुप रह नहीं सकता। अब्बा डब्बा जब्बा। संगीत हंस रहा है। ओ बड़ो क्या? राजा बाबू। हाँ। क्या बोल गई कोयल? वो मुझसे कोड वर्ड में बोल गई। क्या? अब्बा डब्बा जब्बा। क्या मतलब? मतलब मैं समझ गया। पहले अब्बा को पटाना होगा, फिर डब्बा संभालना होगा, फिर जब्बा जब्बा जब्बा। अरे हटे खुद के पास बंगला है, गाड़ी है, तो दूसरों का लेक्चर देना बहुत आसान है। छोटा है तो क्या, अपना घर अपना ही होता है। ये ससुरे बैंगन है क्या है? पौधे में कीड़े लगे हुए हैं। अरे छोड़ दो ना अपना बंगला गाड़ी और आकर रहो इस घर में, तब पता चलेगा कि प्याज इतने महंगे हैं कि उनके बगैर ही सब्जी बनानी पड़ती है। जो है उसी में खुश रहना सीखो, वरना जिंदगी जहन्नम बन जाएगी। जहन्नम से बड़ी सुर्ख गोरी ना जिंदगी। पर दूसरों को दोष देने से क्या फायदा जब अपना ही पति पैसा कमाना नहीं जानता हूं। काजल लो आ गई, मुंह से शहद टपकता है। पूछूंगी देर क्यों हो गई, बोलेंगे ऑफिस में ज्यादा काम था,
जिसे ज्यादा काम करने से मालिक ज्यादा पैसे देंगे। सॉरी काजल, देर हो गई। ऑफिस में काम ज्यादा होगा। आज पैदल चलकर आए, बस के पैसे बचा लिए। इतने से पैसे बचाने के लिए तुम इतनी दूर पैदल चल के आए हो? अरे अरे काजल, ये क्या? एक टेप रिकॉर्डर खरीदने के लिए तुम कितनी तकलीफ उठा रही हो? काजल, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मुझे अच्छा नहीं लगता है, पता है? जब तुम पैदल चलते हो तो मेरे पांव दुखते हैं। तो मैं तुम्हारे पैर दबा देता हूँ। और आज तो मैं जरूर दबाऊंगा। आज हमारी शादी की सालगिरह जो है, याद है क्या भूल गई? इसीलिए मैंने जल्दी बच्चों को सुला दिया। बदमाश। अरे अच्छू जी, पहले ना के आओ, खाना लगाती हूँ। जानती हूँ इन सितारों को देखकर क्या लग रहा है काजल? क्या? जैसे आसमान में रात रानी के फूल खिले हों, और वो अभी हमारी झोली में आ गिरेंगे। गिरना ही तो चांदी के सिक्के बनकर गिरे। एक एक सिक्के से ढेर सारे फूल खरीदे जा सकते हैं। सॉरी बाबा, सॉरी। पता नहीं हर वक्त क्यों पैसे पैसे करती रहती हूँ। आज शादी की सालगिरह के दिन भी तुम्हारा दिल दुखाया है। ओ जी, इधर देखो ना, प्लीज। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो पता है क्या करती? एक लगाती खींच के, अपने आप अकल ठिकाने आ जाती। एक लगा दूं तो अकल ठिकाने आ जाएगी? वही तो, तुम दो लगा दो। कम है। ठीक है, 4-5-7-9-10 जितने चाहो लगा दो, मैं चुभी नहीं करूंगी। और ऊपर ऊपर। सुनो जी, डैडी न्यूज़पेपर आ रहा है। अरे बाप रे, जैसे कि सारा मोहल्ला खरीद लिया हो। डैडी, रेडियो फुल वॉल्यूम में है, खूब खबरें सुननी पड़ेंगी। तुम लोग जाओ स्कूल के लिए, जल्दी तैयार हो जाओ। रोज रोज इनकी बातें सुनकर मैं तो थक गई हूँ। अजी सुनते हो जी, मैंने कहा। क्या कहा काजल? वो 6 नंबर वाली गौरी की चाची है ना, उसने 4 तोले की चेन बनवाई है। और वो पुष्पा नक्षड़ी, उसके घर में कलर टीवी आ गया, 24 इंचेस। सब लोग कुछ ना कुछ खरीद रहे हैं। पता नहीं हम लोग कब VCR और टीवी खरीदेंगे, कब तक हम दूसरों के घर पे जाकर टीवी देखते रहेंगे। ये कहाँ चले गए? मम्मी, डैडी का दिमाग जरा गर्म हो गया है, इसलिए बाथरूम गया है ठंडा करने। अरे तूने भी मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। काजल, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, जल्दी टिफिन दे दो प्लीज। हाँ, हो गया। अरे रोमी प्रीति, कहाँ तुम लोग? आया डैडी। ये लो, पकड़ो, जल्दी। क्या है इसमें? ब्रेड बटर जैम। ओफो यार, कभी कभार पराठे दे दिया करो। कितनी बार समझाऊं, अमीर लोग हमेशा ब्रेड बटर जैम ही खाते हैं। आज हमारे पास पैसे नहीं तो क्या हुआ, जिंदगी भर थोड़ी ऐसे रहने वाले हैं। एक ना एक दिन हम भी अमीर हो जाएंगे। ये हाई सोसाइटी की आदत आप इसे डाल लेनी चाहिए ना। चलो। अच्छा भाई, मैं चलता हूँ ऑफिस। इतनी शान से कह रहे हो जैसे अमेरिका जा रहे हो, सिर्फ जा रहा हूँ कहना काफी है। अच्छा बाबा, जा रहा हूँ, जाऊं जाओ। लेकिन एक चीज तुम भूल रही हो। बच्चे देख रहे हैं। अरे टीका लगाने में शी क्या, टीका लगा दो। टीका? हाँ। काजल, तुम भी कुमकुम वाली बिंदी क्यों नहीं लगाती? ये चिपकाने वाली बिंदी क्यों लगाती हो? सारी पैसे वाली औरतें ये स्टिकरी लगाती हैं, सस्ती की सस्ती पड़ती है, और देखने वाले सब हमको अमीर समझते हैं। एक ही पीस हो हिंदुस्तान में। चलो चलो रोमी, चलो प्रीति, कम ऑन, बाय बाय। टाटा टाटा टाटा। आज सुनो। हाँ बाबा, जल्दी घर आना और सबको सिनेमा ले जाना। वही तो। क्या बात है काजल बेटी? जरा घर का ख्याल रखना शारदा चाचा, हम लोग बाहर जा रहे हैं। अच्छा अच्छा। हम लोग पिक्चर देखने जा रहे हैं, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। रीगल सिनेमा में। एयर कंडीशन है ना? बाय।
हम लोग टैक्सी में जाते हैं और टैक्सी में आते हैं, और जब तक बालकनी में बैठकर पिक्चर ना देखो तो पिक्चर का क्या मजा? टाइम क्या हुआ? अरे बाप रे, 6 बजने वाले, मेरा टाइम हो गया। बाय मम्मी, हम इंटरवल में जरूर आइसक्रीम खाएंगे। हाँ बेटा, पॉपकॉर्न भी। हाँ मम्मी, और कूल ड्रिंक। काजल क्या हुआ, पिक्चर नहीं गई क्या? क्यों, टैक्सी नहीं मिली अब तक? सॉरी काजल। भगवान किसी औरत का जन्म ना दे। ये पत्नी होती है क्या पतियों के लिए? बदन पे मलने वाला साबुन या खाना बनाने की मशीन? वो क्या है काजल? नहीं पागल थी जो मोहल्ले भर में झिंडोरा पिटाई कि मेरी पतिदेव मुझे सिनेमा दिखाने ले जा रहे हैं। असल में मालिक ने रोक लिया तो? मालिक के गले में बांधना था ना मंगलसूत्र, मेरे गले में क्यों बांध दिया? पप्पू की माँ बोली, क्या हुआ काजल, कहीं नहीं सिनेमा देखने? और गौरी की चाची बोली, टैक्सी नहीं मिली होगी अब तक। नहीं काजल, नहीं नहीं नहीं, मुझे अभी के अभी एक एयर कंडीशन सिनेमा हॉल खरीद के दो। सिनेमा हॉल खरीद के दो? हाँ, उसके बाद में सिनेमा दिखाने के लिए कहो तो फिर क्या? अरे नहीं काजल, नहीं, मार रख जाएगी काजल। दौलत के बिना जिंदगी में कोई जिंदगी है? सारा दिन एक पिक्चर देखने के लिए तरसते रहे। काजल मेरे कपड़े कहाँ है प्लीज? अब तुम लाख बुलाओ, नहीं आने वाली तुम्हारे पास। काजल प्लीज, तरसते रहो सारी रात।